खजनी पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कूड़ाघाट तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान झोलाछाप डॉक्टर विजय प्रताप पासवान पुत्र लालमणि पासवान निवासी सिसवा पोस्ट खुटहा बाजार थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि 8 अगस्त को शाम 5 बजे वादी के भतीजा प्रिंस पुत्र लाल चंद यादव निवासी कंदराई थाना खजनी जनपद गोरखपुर के दाहिने पैर के अंगूठे में चोट थी, जिसका इलाज कराने वो गया था, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर विजय पासवान द्वारा 3 इंजेक्शन लगाया गया, जिससे प्रिंस के मुंह से झाग निकलने लगा, जिसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्रिंस को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके संबंध में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खजनी थाना प्रभारी इकरार अहमद, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, कांस्टेबल देवी शंकर यादव, आशीष रंजन शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, अबे हमको कहाँ मिले? सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायो डॉक्टरी पढ़ाई कहाँ पढ़ लिए थे? थाना खजनी क्षेत्र में एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर ने एक बच्चे का इलाज किया था। कंदराई गांव का मैटर है। प्रिंस नाम का बच्चा, जिसकी उम्र 13 साल है, उसके पैर में उंगली में चोट थी, जिसका इलाज ये डॉक्टर कर रहे थे। इन्होंने बच्चे को इंजेक्शन दिया, उस इंजेक्शन के बाद उसके मुंह से झाग आने लगा। परिजन स्थिति को नियंत्रण के बाहर देख करके तत्काल लेके जिला अस्पताल भाग कर आए। यहाँ पहुँचते पहुँचते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये डॉक्टर मूल रूप से महाराजगंज के रहने वाले हैं और कंदराई गांव में ही रुद्रा भवन नाम का एक मकान है, जिसमें किराए पर रहते थे, उसी में अपना क्लिनिक भी चलाते थे। एसओजी टीम और थाना खजनी पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है। इनके विरुद्ध 304 IPC वो 15(3) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा।